अंजल मैडम, हमसे शादी कर लो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। महीने में एक दिन आपको बाजार ले जाएंगे और आपको नहीं कहीं ज़्यादा तो कम से कम आपको 5 रुपए की फुल्की जरूर खिलाएंगे, और घर में आपको रोजाना 1 रोटी गेहूं की, 1 रोटी ज्वार की, 1 मक्का की और 10 ग्राम चावल रोजाना आपको खिलाएंगे, और 1 साल में आपको कम से कम 150 रुपए की साड़ी जरूर पहनाएंगे। प्यार जो हम आपसे करते हैं। मोदी बाबा, तू बुरो हिसाब करके रखा है कहीं ब्याह को भी अपना झोला में? ब्याह का बाद में घर वालों से कहीं खिलाए वो, कहीं पिलाए वो, कहीं पहनाए वो, सबको हिसाब करके रखा कहीं तू अपना झोला में? काजल मैडम से शादी करना कर ली आई गयो, खुद तो फकीर आदमी है, झोला उठा के कहीं भी चल देते हैं। तो क्या अपने लिए एक झोला उठाने वाले ढूंढ रहे हो क्या? बहुत तरक्की करोगे मोदी जब मिल बैठेंगे दो फकीर, तुम्हारी जोड़ी बहुत जमेगी। मोदी काका, तेरे जैसे फकीर आदमी से तो मैं अपना टट्टी का कच्चा भी नहीं रखवाऊं। मुंह में दांत नहीं और पेट में आदमी, और आया बड़ा मुझसे शादी करने? हम तो अखिलेश यादव यूपी वाले से ही शादी करेंगे, वो खानदानी रईस आदमी है। काजल, अपनी जवान को लगाम दे, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि शादी के लिए तेरे पैरों में गिर जाऊं। मैं चाहूं तो तेरे जैसी 50 काजल ला सकता हूं, पर क्या करूं, किसी ने सच ही कहा है कि आदमी ने अपनी उम्र और कमर का जवाब देख लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। ए भंगार वाले, फटे पुराने रद्दी कॉपी पुस्तक लोहा लंगर भंगार निकालो, अच्छा दाम मिलेगा, जो भी घर में हो सब कुछ निकालो। अरे तू यहाँ रोज खुरोज आइया यार, तू निकल यहाँ से, हिम्मत आ जाए दोबारा यार, तू ना रोज खुरोज आइए कि सब तो हमारे घर से खरीद ही लियो, सब तो मैंने तुझे बेच ही दियो, अब कहीं नहीं है, तू जा यहाँ से यार, दिमाग मत खराब कर, चल निकल यहाँ से। ए भंगार वाले, फटे पुराने रद्दी कॉपी पुस्तक लोहा लंगर भंगार निकालो, अच्छा दाम मिलेगा, जो भी घर में हो सब कुछ निकालो। अरे योगी, कुछ तो दिमाग लगा रे, थारा पास तो अब दारू ही खत्म हो गई, या एक ही वो बच्चों है, अब कहाँ से पियोगे दारू? तू खोपड़ी में थोड़ा बहुत छेद मेद कर, थोड़ा दिमाग आएगो और दारू की व्यवस्था होगी, जल्दी कर, नहीं तो अपना से रह नहीं जाओ यार। हाँ यार, कहीं ना कहीं दिमाग लगाऊँ यार। ओ मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र, मेरे भाई, मेरे बड़ भाई, तनिक यहाँ आओ यार भाई। हाँ बाबूजी, अभी आया। अरे भंगार वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तू तो मेरे लिए सब कुछ है यार, तनिक यहाँ बैठ यार। ला यार, आज तो थोड़ा बहुत पैसा दीदा यार, आज तो कहीं नहीं यार बेचना कर लिए। देख बाबूजी, फ्री में तो मैं कहीं नहीं देता हूँ, करी कहीं हो बेचना टोचना का तो बोल, नहीं तो मैं यो चलो। नहीं यार, बट बट यार, बुरो मत माना यार, तू यहाँ बट यार, मैं कहीं देखूँ यार, कहीं हो तो यार, तू तो बट यहाँ ही की जगह, मैं देखूँ व्यवस्था करूँ यार। अरे बेटा अखिलेश, कहाँ जा रहे हो? स्कूल को टाइम हुई तो मैं तो स्कूल जा रहे है। अरे बेटा इधर तो आ, आइए, मैं तो जा रहे स्कूल, मत परेशान करे। अरे बेटा बेटा बेटा, तो मेरे लाल मेरे पीले, तनिक यहाँ तो आ यार, इधर तो आ जरा, यहाँ बैठ बैठ बैठ, यहाँ बैठ, ना थारो बेग बता यार। अरे पुस्तक ले भैया, ये भंगार वाली, ये पुस्तक का कितना पैसा देगो तू बता? एका मैं तो 60 रुपया दूंगा तुखे। देख यार, मैंने पुस्तक ली थी जब 600 रुपये की आई थी, और तू मैं 60 रुपये दे रो यार, कसो जमानो है यार, जब लेन जाओ तो 600 रुपये की पुस्तक आ है। लोगों ने बोला है कि सरस्वती बड़ी महंगी मिले भी है और बिके भी है महंगी, तो मैंने लाया तो जब तो बहुत महंगी थी, अब तू तो मैं से बहुत सस्ती ले रहे है, कई 600 रुपये की साठ, 10% भी नहीं दे रहे तू तो मखे। ले यार, कम से कम 80 रुपया तो कर दे यार, एक पौवा की जुगाड़ हो जाएगी। चल ठीक है, तू मारो रोज को ग्राहक है, एक ली मैं तुमको 80 रुपया दे दूँ यार, चल ले। देखो जी, तुम ये क्या कर रहे हो बेटे की पुस्तकें बेच दी तुमने तो, मैं बोल रहे हो कि पुस्तक वापिस करो। तू यहाँ फिर किचिर किचिर करना कर लिएगी, तू यहाँ से निकल, दिमाग खराब मत कर फालतू यहाँ। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही है कि मारा छोरा की पुस्तक वापिस
दीदी हो, नहीं तो अच्छो नहीं होगा। नहीं तो काई कर लेगी तू, मने तू खिलाया कि तूने मैं खिलाई? ज्यादा दिमाग मत अपना दौड़ा, तू जा चुपचाप रोटी बना, अभी मैं दारू पी खाऊ है, जल्दी जा। पुस्तक वापिस दे रहा कि नहीं दे रहा? नहीं दे तो है करी। ओ मेरी माँ, मेरी काकी, मेरी दादी, तू मेरे को मत मार, मैं अब नहीं पीऊंगा दारू, पीऊंगा नहीं पीऊंगा दारू, दारू में पानी भी नहीं पीऊंगा, मत मार मत मार। बेटा भंगारी धीरे से निकल ले, नहीं तो तेरे को भी डंडे पड़ेंगे, चल निकल बेटा। ए, छोड़ दे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रे मुझे, छोड़ दे, अब नहीं पीऊंगा दारू में, अब तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, छोड़ दे। योगी जी टमाटर से हाथ हटाओ, जल्दी हटाओ, ये क्या कर रहे हो? हमारी दुकान पर बड़े बड़े ग्राहक आ रहे हैं, तुम अपना हाथ हटाओ जल्दी से। मेरे को पता है कि तुम कितने टमाटर लोगे, एक पाव या आधा किलो, बस इससे ज्यादा नहीं लोगे। तुम एक काम करना, बाद में देखना, पहले राहुल जी और लालू जी को देखने दो, पहले मैं उनको दूंगा। तुम एक काम करो, पीछे हट जाओ। अरे मोदी जी, मैं तुम्हारा डेली का ग्राहक हूँ, चाहे एक पाव लूं या आधा किलो लूं, पर रोजाना लेता तो हूँ। तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरे को जानते पहचानते नहीं हो, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ हाँ देख ली तुम्हारी इज्जत, एक तुमने एक पाव टमाटर खरीदने से मेरे सामने बहुत इज्जत बढ़ा ली। और राहुल ये पर्ची काहे की है? अरे मोदी जी, मम्मी जी ने सब्जी लिख कर दी है कि कौन कौन सी लाना है और कितने कितने लाना है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। मोदी जी तुम्हारे टमाटर तो बहुत चमकदार है, कहाँ से लाते हो? राहुल भैया, मैंने मेरे घर पर ही बाड़ी लगाया हूँ, मैं वहीं से ताजा और फ्रेश टमाटर लाता हूँ, तभी तो मेरे टमाटर एक घंटे में ही बिक जाते हैं, बाकी सब पूरे बाजार में हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। योगी जी तुमको मैंने बोला था कि पीछे हटो, तुम अभी तक उठे नहीं, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, तुमको बाद में दूंगा। चलो ठीक है, पहले मैं तुमको ही दे देता हूँ, बताओ कितने चाहिए? मोदी जी मेरे को आज तो 100 ग्राम टमाटर चाहिए। बस योगी जी 100 ग्राम ही? एक काम करो योगी जी, पहले 100 ग्राम का बाट लेकर आओ किसी के पास से, तब मैं तुमको दूंगा। मेरे पास तो 100 ग्राम का बाट ही नहीं है और बोल रहे हो कि मेरे को 100 ग्राम टमाटर चाहिए। तुम तो योगी जी 100 दिनों बाद आना और 100 ग्राम का बाट भी साथ में लेकर आना, इसके बाद में सोचूंगा कि तुमको दूं या नहीं दूं। अरे वाह मोदी जी वाह, क्या बेइज्जती है, क्या बेइज्जती है, मैं तो भूल ही गया था कि इज्जत भी कोई होती है। और भाई और बहनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। भोलेनाथ सबके साथ। भाइयों बहनों, माताओं से मेरा यही है कहना। अरे अखिलेश, ये तो मेरा डायलॉग है। भाइयों बहनों, मेरा तुमसे ये है कहना। मोदी जी आगे कुछ नहीं कहना, ये डायलॉग अपडेट हो चुका है और मेरा हो गया है। भाइयों बहनों, माताओं से मेरा यही है कहना। एक गीत जो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे तो मुझे शाबाशी देना और अच्छा नहीं लगे तो मोदी जी को गाली देना, क्योंकि ये तो रोजाना 1-2 केजी गाली नाश्ते में खाते हैं। तो पेश है आपकी खिदमत में ये गीत। ये है यूपी का संदेश कि अब की जीतेगा अखिलेश, श्री मुलायम सिंह का बेटा मैं हूँ रे अखिलेश। ये है यूपी का संदेश कि अब की जीतेगा अखिलेश। अरे ओम फोम, बहुत धर्राटे काट रहे हो अखिलेश, वो तो हम मोदी जी के कारण तुमको छोड़ देते हैं, नहीं तो हम तुम्हारा तंबू उखाड़ के बीच समुद्र में गाड़ी आते। मैं तो मोदी जी को ही बोल दूंगा तो कैसे जीतेगा अखिलेश? योगी बाबा, तुम हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हो वो तो ठीक है, पर अखिलेश बाबू भी हमारा ही आदमी है। पर क्या हुआ, समाजवादी में है तो काम तो हमारा ही करता है ना? तो योगी बाबा, मेरा तुमसे यही है कहना कि अखिलेश को ही सपोर्ट करना, क्योंकि हम तो अब ऑफिस में नहीं रहेंगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और भाइयों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ। राहुल भैया, एक अच्छा सा साबुन दिखाना, नहाना है मुझे। अखिलेश, मैंने यहाँ किराना दुकान दिखाने के लिए नहीं बल्कि सामान बेचने के लिए खोली है, लेना हो तो दू, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है। मार मार मार, ठोक ठोक ठोक, 5 गोली मार दे, अरे जल्दी मार जल्दी मार। अरे राहुल भैया, ये क्या मार मार ठोक ठोक लगा रखा है? अखिलेश, राहुल बैटल ग्राउंड गेम खेल रहा है, वो दिन भर गेम में ही लगा रहता है, दिन भर गेम ही खेलता रहता है, ग्राहकों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। राहुल भैया सुनो, मैं साबुन खरीदने के लिए आया हूँ। अरे अखिलेश, नीम वाला साबुन लेना, उससे शरीर के सारे कीड़े मर जाते हैं। मोदी जी, मैंने तुमसे पूछा क्या कि मेरे को कौन सा साबुन लेना है और कौन सा नहीं लेना है? राहुल भैया दुकानदारी करते हैं, सेठ बन गए हैं,
कोई चमारी नहीं करते, उनको सब पता है कि कौन सा साबुन देना है। और तुमको क्या मेरे शरीर में कीड़े दिखाई दे रहे हैं क्या, जो बोल रहे की कीड़े मारने वाला साबुन देना? और राहुल भैया एक बिस्किट भी देना, 5 रुपए वाला। अरे अखिलेश तुम 5 रुपए वाला बिस्किट ले रहे हो ना, तो एक काम करो लाल मिर्च वाला लेना, उसमें बहुत अच्छा स्वाद है, अभी नया नया मार्केट में आया है, बहुत चल रहा है, मैंने खाया था, बहुत मजा आया। योगी महाराज मैं क्या तुमसे पूछ के खाऊंगा कि मेरे को कौन सा बिस्किट खाना है कौन सा नहीं? मैं तुमसे पूछ कर सब कुछ खरीदूंगा क्या? तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करो, चुपचाप खामोशी से वहाँ बैठे रहो, मत कमाओ कहीं के। राहुल भैया तुम तो मेरे को दूध वाला बिस्कुट देना जो 5 रुपए मिलता है, वही मेरे को देना। अरे अखिलेश नमकीन भी ले लो, खट्टा मीठा वो जो रंगीन होता है वो ले लो, बहुत जानदार स्वाद है उसका, और एक एक गप्पा हमको भी खिला देना। मोदी काका मेरा ब्याह हो रहा है क्या कि कहीं मेरी रोटी लग गई है जो मैं तुमको खिला दूँ? मैंने तो मेरे घर से 10 ही रुपए लेकर आया हूँ नहाने के साबुन के लिए, और 5 रुपए का मैं कुछ खा लूंगा, इतनी दूर से आया हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ खा के आ जाऊंगा। और केजरीवाल जी तुमको भी कुछ चाहिए क्या? नहीं मैं तो अखिलेश के साथ आया हूँ, अखिलेश ने बोला था कि मेरे साथ चल मैं तेरे को बिस्किट खिलाऊंगा, इसलिए मैं अखिलेश के साथ आ गया हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे केजरीवाल जी तुम भी कहाँ इस कंजूस के साथ आ गए, ये तो 10 ही रुपए मांगकर लाया अपने पापा से, तुम तो बेवकूफ बन गए। और भाई और बहनों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भोलेनाथ सबके साथ।